हनी सिंह के गाने, कभी लिरिक्स पर ध्यान दिया है? सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर एजुकेशन मिनिस्टर ध्रुव राठी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। और उन्होंने ठेका लिया है कि मैं कुछ ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां पे कोई भी इंसान छोटी सी भी गलती ना करे। अभी आजकल इनका एल्विश यादव के साथ में कोई लफड़ा वगैरह चल रहा है, जिसको लेके इनकी कुछ ही घंटों पहले एक वीडियो ड्रॉप हुई है। एंड गेस व्हाट, इन्होंने फिर से हनी सिंह का नाम लेके हाइप लेने की कोशिश करी है। फिर से मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं, ये हर महीने एक वीडियो ड्रॉप करते हैं जिसमें पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री से ये बस एक ही बंदे का नाम लेते हैं और बार बार उसे गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके एलिगेशंस होते हैं कि हनी सिंह अपने गानों से बस औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, यहाँ तक कि कम्युनल हेट्रेड भी फैलाता है। हनी सिंह के गाने, कभी लिरिक्स पर ध्यान दिया है? हनी सिंह के मखना जैसे चीप गाने जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, कम्युनल हेट्रेड फैलाना, ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है। हनी सिंह के गाने, हनी सिंह के गाने, हनी सिंह के गाने, हनी सिंह के गाने। सो इन भाई साहब से मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस गाने को लेके आप 15-20 वीडियोस में हनी सिंह का नाम ले चुके हो, एक बार जाके गूगल करके हनी 3.0 का 5th सॉन्ग सोल को जाके सुनो। हनी पाजी ने हर एक लाइन में क्या बोला है उसको सुनो, उसके बाद वीडियो में आके ज्ञान पे लो। दिस इज फॉर ऑल द लेडीज हु हसलिंग स्ट्रगलिंग इन लाइफ, राइज अप लेडीज। अगर ये सॉन्ग जर्मनी में अवेलेबल नहीं है तो मुझे एक बार बता देना, मैं आपको पूरा सॉन्ग DM करके भेज दूंगा। इस सॉन्ग को फिर कान खोल के सुनना कि कैसे हनी सिंह ने सभी व्यूमेन को एम्पावर किया है, कैसे उन्हें मोटिवेट किया है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हैं। यही नहीं, हनी पाजी ने भगत सिंह के ऊपर भी एक गाना बना रखा है, वो भी 15 साल पहले। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मखना सॉन्ग को लेके ज्ञान पेलना है और हर वीडियो के अंदर बस 3 ही वर्ड्स बोलने हैं, हनी सिंह मिसोजिनी एंड व्यूमेन ऑब्जेक्टिफाई। बस मिल गई अच्छी हाइप, चाहे दूसरे बंदे के ऊपर अभी कितना भी मेंटल प्रेशर हो, तुम्हें उससे बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता। सच बताना, तुम्हें हनी सिंह के अगेंस्ट में वीडियो बनाने में कोई अंदर से पैसा आता है या नहीं? क्योंकि हनी सिंह तो अकेला आर्टिस्ट नहीं है, इंडिया में और भी बहुत आर्टिस्ट हैं। मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि इन भाई साहब ने अभी DHH के न्यू आर्टिस्ट सुने भी हैं या नहीं। वो तो खुलेआम माँ बहन की गालियाँ सॉन्ग्स के अंदर देते हैं। चुप तेरी मैं खींच, SOS दिल्ली नहीं लंट बजता है। इतना वो तो गाली वाली बक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं, मैं वो सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। वेल, उन सब के ऊपर ये कभी वीडियोस नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ से हाइप नहीं मिलेगी। आजकल का छोड़ो, इन्होंने 90s के डबल मीनिंग गाने अगर सुन लिए तो इनका आखिर क्या रिएक्शन होगा, मुझे सोच के ही हंसी आ रही है। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, तो अगर इसको आप गलत ले रहे हो तो आप घटिया हो, मैं घटिया नहीं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल, लेडी सिंगर बोल रही है, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। लड़की कह रही है कि मुझसे इतना चिपक जा कि फूल भी ना आए बीच में, क्या ये? गुलजार साहब, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आ गई। फीमेल आंसर, फीमेल सिंगर कह रही है, गुलजार साहब लिख रहे हैं, 400 लोगों के आदमी, गंदे गंदे लोगों के बीच में एक एक्ट्रेस डांस कर रही है। रहमान सर को सुनता है, रुकमनी रुकमनी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा, मैं क्या हूँ, मेरा कोर क्या है, मेरा कोर घटिया नहीं है, ये मुझे पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो अगर इसको आप गलत ले रहे हो तो आप घटिया हो, मैं घटिया नहीं। बात बहुत सिंपल है कि सॉन्ग्स, मूवीज, वेब सीरीज और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो बार बार वीडियोस में तुम बस एक ही बंदे को लेके ज्ञान पेलते हो, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगर इतना ही तुम्हें हर किसी को सुधारना है तो हर उस आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो बनाओ जो कि अपने सॉन्ग्स के अंदर गाली देता है, ना कि सिर्फ हनी सिंह पे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ये बात तुम्हें फिर से लिख के दे रहा हूँ। अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें ये एक बार फिर से हनी सिंह का नाम लेके वही घिसे पीटे शब्द सौजनी और व्यूमन ऑब्जेक्टिफाई बोलेगा। रही बात कॉम्युनल हेट्रेड की, तो जो लोग हनी पाजी को फॉलो करते हैं उनको ये चीज पता है कि उन्होंने आज तक कभी भी किसी धर्म को गलत नहीं बोला, बल्कि वो तो हर एक इंटरव्यू के अंदर हर एक रिलीजन को बराबर रिस्पेक्ट करते हैं। सो आप लोग ध्रुव राठी जैसे लोगों से सावधान रहो जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाते हैं, पूरी स्टोरी नहीं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।